एंड फाइनली यहाँ पर है, हम जा रहे हैं अंदर और दिखाते हैं आप लोग को। सब फ्रेंड्स ये है ये हॉस्पिटल और यहाँ पर दिखा, कैसा लग रहा है बोलो? पहले से ठीक, माथा हिला रही। अभी सर बता के गए कुछ क्या फ्रेंड्स है? तो स्वागत है हमारे चैनल में। फ्रेंड्स ये हमारे चैनल नहीं, जबकि ये दिखा के चैनल, वीडियो आप लोग दिखा के चैनल में ही देख रहे होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है, देख सकते हैं अभी ये मुकेश है और ये हॉस्पिटल का बगल में हम लोग है। तो शायद आप लोग के जैसा कि पोस्ट डाले हुए हैं तो फोटोज की दिखा के तबीयत खराब, तो बहुत सारे कमेंट्स कर रहा था भाई सोशल मीडिया पर फोटो डालने से क्या तबीयत सही हो जाएगा। भाई का कहना भी सही है, तो आप लोग को फिर ये जानकारी भी बहुत ज़रूरी था और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्या हुआ, तो भाई बताएगा क्योंकि ये भाई यहाँ रहता है मुकेश और यहाँ मतलब जॉब भी करता है। तो क्या हुआ था भाई बता कुछ? कुछ कोविड का सिम्टम लग रहा था। अच्छा ठीक है, लग रहा उसके बाद मैंने उसको वीकनेस था, अभी उसको मेडिसिन दिया गया है, पहले से रिकवरी है, पहले से अभी बहुत बेटर है। मतलब ये मतलब एक दो रोज मतलब काफी ज्यादा पहले घर भी गए तो उसके कारण से शायद उधर ठंड भी लग गया था, भी लग गया था। तो वजह से वीकनेस पूरा फुल वीकनेस था, तो मतलब कमजोरी वीकनेस सारा चीज, तो टेस्ट सारा चीज हो गया। तो चलिए अभी उनसे मिलेंगे क्योंकि रात में ही हम आए थे और भाई के हिसाब से, तो चलिए आपका हॉस्पिटल भी दिखाएं, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है अलकारी देवी हॉस्पिटल ना। तो चलिए मुकेश के साथ चलते हैं और आप लोग को उनसे मिलवाएंगे, दिखेंगे क्या क्या है, नर्स से भी थोड़ा सा ले लेंगे क्या अभी सिचुएशन है उनका और अभी रहना है कि कितना दिन क्या, सारा चीज़ आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो हमारे साथ बने रहें फ्रेंड्स, ये है हॉस्पिटल और ये है एंट्री गेट। तो चलिए चलते हैं, मुकेश जा रहा साथ में फटाफट। ये काफ़ी बढ़िया हॉस्पिटल भी है, देख सकते हैं ये रहा हॉस्पिटल अलकारी देवी, रिसेप्शन इधर है, ये है मेडिकल। तो चलते किधर, ऊपर जाना है। पर है, हम जा रहे हैं अंदर और दिखाते हैं आप लोग को। सब फ्रेंड्स ये है ये हॉस्पिटल और यहाँ पर दिखा, कैसा लग रहा है बोलो? पहले से ठीक, माथा हिला रही। अभी सर बता के गए कुछ क्या बताए मालूम है? हाँ काफी ज्यादा परेशान लग रहा है, टेंशन बोलो बोलो ठीक लग रहा है अभी? चलो ठीक है, क्या क्या बोलो मुकेश इसको सर? एक दो दिन में रिकवरी हो जाएगी, बताया तो कोरोना हो गया शायद, कोरोना हो गया हुआ नहीं, हो सकता है। सिस्टर क्या हुआ इनको थोड़ा बता सकते हैं? बताइए ना क्या बोला सर, क्या बोले इनको? उधर देखते हैं, बताइए। वीडियो बन रहा है इनके लिए, ऑडियंस को क्या बता देंगे? अरे कल नहीं आया था पानी के लिए। सो फ्रेंड्स अभी इनको, तो अभी इनका तबीयत कैसा है सिस्टर? ठीक है, तबीयत घर जा सकती है। घर जा सकते हैं मतलब प्रॉब्लम क्या हुआ था इनको? प्रॉब्लम क्या हो रहा था, उल्टी हो रहा था, उल्टी पेट दर्द हो रहा था और गैस बस। तो अभी सर कुछ बोल, सर कुछ बोल के गए थे क्योंकि फ्रेंड्स लाइन नहीं था जिसके वजह से सर का बाइट नहीं ले पाए, तो सर क्या क्या बोले हमें? अच्छा सर का बात नहीं सुनी बट आपको समझ में आया ना इनका क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो मतलब ये छुट्टी हो जाएगा इनका? हाँ, घर जा सकती आराम से। अच्छा तो देखिए अभी जैसे कि बताइए अभी ठीक लग रहा है इसको और आप लोग को लग रहा था कि हम फोटोज डाल दिए थे तो आप लोग को लग रहा कि मजाक है, सब कुछ नहीं, देख सकते बेड ये हॉस्पिटल है पूरा अलकारी देवी। मुकेश भी मेरे साथ में था भाई, तो मुकेश अभी ठीक है ना? अभी ठीक है, शाम तक इसको ले जाओ घर। अच्छा चलिए, टाइट हो गई है, खिलाओ पिलाओ जूसेस है ना, क्या ठीक है, सही है ना? चलो ठीक है, तो चलो इधर है एक बार हंसो सबको दिखा सर। चलिए फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स यहीं पर इसको आप लोग को थोड़ा सा अपडेट देना था, अपडेट मैं दे दिया हूँ फिलहाल, यहाँ से इसको छुट्टी हो जाएगा। सर भी बता के चल गए क्योंकि जिस टाइम हम पहुँचे हैं उस टाइम हॉस्पिटल में लाइट नहीं था, उसके कारण से आप लोग का सर का बैठ नहीं ले पाए। बाद बाकी चलिए बस प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें और जल्दी से स्वस्थ हो जाए। तो बाय बाय।